कुछ वर्षों पहले तक एक व्यक्ति बिहार के किसी सरकारी विभाग में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हुआ करता था, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी और देखते देखते महज 3-4 साल या 5 सालों के अंदर वह बन गया करोड़पति। करोड़पति कैसे बना, आज यह एक चर्चा का विषय है। फिलहाल मैं उसका नाम बता दूं, उसे संजीव मुखिया लोग कहते हैं, जबकि उसका लुट्टन के नाम से भी उसे लोग जानते हैं, यानी लुट्टन उर्फ संजीव मुखिया, जैसा कि नाम है लुट्टन। और उसने काम किया लूटने का, और किसे लूटता था, पेपर को। आज नीट परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है उसे ही मास्टर माइंड बताया जा रहा है। लेकिन संजीव मुखिया आज चर्चाओं में इसलिए भी खास है क्योंकि वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद नालंदा का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है कि संजीव मुखिया का संबंध नीतीश कुमार से है। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि उनकी पत्नी यानी संजीव मुखिया की पत्नी जेडीयू की पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। अब चूंकि 2025 में यानी तकरीबन कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में हर पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल, वह एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। तो संजीव मुखिया आज है चर्चाओं में। आज हम संजीव मुखिया के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ यह बताएंगे कि जब वह मुख्य आरोपी बन चुका है तो बिहार की पुलिस उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए संजीव मुखिया की बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि बिहार की जो आर्थिक अपराध शाखा है यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। उसने वहाँ जो जांच की उसके मुताबिक 4 तारीख को ही वह पेपर बिहार पहुँच गया था और 4 तारीख की शाम को एक हॉस्टल में संजीव मुखिया ने उस पेपर को रखवाया था। और आरोप यह भी लग रहा है कि जिन लड़कों को वह पेपर रटवाया गया था उन सबसे मतलब प्रति स्टूडेंट 40-40 लाख रुपये लिए गए थे। हालांकि एक चीज़ यहाँ और बता दूँ कि संजीव मुखिया का जो बेटा है डॉक्टर शिव कुमार, इस समय वह जेल में बंद है। अब आप सोचिए कि उसका बेटा जो शिव कुमार है बिहार के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज यानी PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से MBBS की पढ़ाई की। अब यहाँ तक लोग संदेह करने लगे हैं और शंका जाहिर कर रहे हैं कि यह जरूरी है या संभव है कि शायद संजीव मुखिया ने अपने बेटे में को MBBS में दाखिला कराने के लिए भी कोई ना कोई पेपर लीक किया होगा। बहरहाल उसका बेटा आज जेल में है। दूसरी बात यह है कि संजीव मुखिया बिहार शिक्षक जो भर्ती घोटाला हुआ था उसमें उसका नाम आया था। अब देखिए उसकी राजनीतिक रसूख कितनी है कि जेल जाने से पहले ही उसे जमानत मिल गई। हालांकि वह पहले जेल जा चुका है लेकिन महज 5-7 दिन में उसे जमानत मिल जाती थी। इससे साफ पता चलता है कि उसकी राजनीतिक पहुंच कितनी मजबूत है और कहां तक है। बहरहाल अब मनोज झा ने जो आरोप लगाया है संजीव मुखिया पर, पुलिस ढूंढने गई, पुलिस संजीव मुखिया के घर भी गई, जबकि उसके एक भाई ने कह दिया कि अब संजीव मुखिया से उसके कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ये पैदा हो रहा, सवाल यह पैदा हो रहा कि जिस संजीव मुखिया का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में बताया जा रहा है यानी किंग पिन है संजीव मुखिया, उसे बिहार की पुलिस ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि संजीव मुखिया को जानबूझकर कहीं छुपा दिया गया है, क्योंकि संजीव मुखिया जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने आरोप लगाया है कि संजीव मुखिया के संबंध जो है बड़े गहरे हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंध गहरे हैं, तो कहीं संजीव मुखिया अगर पकड़ में आ गया तो जाहिर सी बात है कुछ राज ऐसे उगलेगा जिससे एक राजनीतिक भूचाल आ जाएगा।
और उसका असर मालूम है कहाँ पड़ेगा, 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें सीधा असर पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के एक है कि संजू मुखिया अगर गिरफ्तार हो गया और उसने खुलासे कर दिए, उस आरोप अगर कुछ उसने ऐसा बता दिया जो आरोप राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार से उनके संबंध है, तो सोचिए कि 2025 में जेडीयू को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल इस समय संजू मुखिया को लेकर के एक बात और सामने आ रही है कि पेपर लीक का एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसे अत्री गिरोह के नाम से लोग जानते हैं और उसका जो मेन साजिश करता है उसका नाम है रवि अत्री। रवि अत्री इस समय मेरठ की जेल में बंद है और बिहार शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर बिहार कांस्टेबल सिपाही भर्ती घोटाला हो, सब में सीधे तौर पे संजीव मुखिया इन्वॉल्व रहा है। यानी उसके जो तार हैं वो रवि अत्री से जुड़े हैं, रवि अत्री के तार हरियाणा से जुड़े हैं और हरियाणा के तार जुड़े हैं गुजरात से। यानी अब संजीव मुखिया अगर गिरफ्तार हो गया जिसे पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है तो आप सोचिए क्या होगा। बहरहाल आज इतना ही, नमस्कार।